ये जो रूस यूक्रेन की लड़ाई है ना, अब ये एकदम से अलग रूप ले रही है। इतना भयानक रूप ले रही है जिसकी कल्पना करना खुद में डराने वाला है, क्योंकि अब रूस ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। और इस फैसले के तहत राष्ट्रपति पुतिन ने सबसे पहले अपने परिवार को भेज दिया है साइबेरिया, और खुद के लिए भी इतना बड़ा फैसला लिया है जो दिखला रहा है कि अब दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी वो भी सोचने वाली बात होगी। जहां एक तरफ पुतिन ये कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी पाली है। अमेरिका के अंदर घुस गया है भारत, एक छोटा सा देश पारागुआ, इसने कमाल कर दिया है, और वो भी अमेरिका और चीन को चुनौती देते हुए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, ये अब दिन प्रतिदिन बहुत खतरनाक होती जा रही है। अब युद्ध का 25वां-26वां दिन शुरू हो चुका है। कथित तौर पर रूस ने ये सोचा था कि 3 दिन के अंदर इस युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा और यूक्रेन जीत लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं होने के पीछे कई कारण हैं। यूक्रेन के पास अगर खुद के हथियारों की बात करें, तो जो एक्सपर्ट आकलन करते हैं वो ये कहते हैं कि उसके पास 3 से ज्यादा का हथियार है ही नहीं। इसका मतलब है यूरोपीय देश और नाटो देश लगातार सप्लाई कर रहे हैं। एक बार ये भी खबर आई कि यूक्रेन के किसी सीक्रेट बेस पर लगातार दिन भर में 17 विमानें उतरती हैं, और ये 17 विमानें अपने साथ हथियारों को लेकर आती हैं, और वही हथियार पहुंचते हैं यूक्रेन की सेना के पास और यूक्रेन के आम लोगों के पास। खैर जो भी हो, लेकिन ये लड़ाई अब लंबी चलती जा रही है, और इस लंबी लड़ाई में यूक्रेन को भी नुकसान हो रहा है और रूस को भी नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है, जिसके बाद रूस ने एक प्रतीक भेजा, एक संकेत भेजा, और इस संकेत के आधार पर रूस ने क्या किया, यूक्रेन के जितने आयुध डिपो थे, यानी जहां पे हथियारों को रखा जाता है, जहां पे मिसाइलों को रखा जाता है, कथित तौर पर ये जो बाहर से मिसाइलें और हथियार आए थे, इसको यूक्रेन ने कई जगहों पर स्टोर करके रखा हुआ था, और रूस ने इसे निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया। तो किसे इस्तेमाल किया, अपनी नई लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को। किंजल के जरिए रूस ने कथित तौर पर इन सारे डिपो को तबाह कर दिया। अब हुआ ये कि किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, और आपको बता दें दुनिया भर में इस वक्त सबसे ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल किसी के पास है तो वो रूस के पास है। बाकी देश तो अभी तक बना ही रहे हैं, बनाने में सफलता भी नहीं पाई है, और अगर किसी ने सफलता पाई भी होगी तो उसने आधिकारिक आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया है। अगर आधिकारिक तौर पर बात करें तो रूस एकमात्र एक ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल का जखीरा है, और इस आक्रमण के बाद रूस शायद ये दिखलाना चाह रहे थे पश्चिमी देशों को कि संभल जाओ, युद्ध का रूप अब बढ़ रहा है, बदल रहा है। लेकिन इसका कुछ खास असर होता हुआ दिखा नहीं। अमेरिका और ब्रिटेन ऐसा लगता है जैसे तय करके बैठे हैं, या तो पूरे रूस को खत्म कर दो या पूरे यूक्रेन को खत्म कर दो। रूस को प्रतिबंधों के जरिए खत्म कर दो और यूक्रेन को हमलों के जरिए खत्म कर दो, और ये लड़ाई चलती ही चली जा रही है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने के बाद भी इस लड़ाई में शांति के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। पर अब आपको बता दें, जो ब्रिटेन की कई मीडिया रिपोर्ट टेलीग्राम चैनलों के हवाले से दावा कर रही है, उसमें एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति ने अचानक से ये फैसला ले लिया है, इनके अनुसार कि उनकी पत्नी, बच्चे, परिवार के सारे लोग और जो सहायक है उनके साथ उन्हें भेज दिया गया है साइबेरिया में। साइबेरिया में कहां पे इन्हें भेजा गया है, साइबेरिया में कथित तौर पर रूस ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए और जो काफी बड़े नेता है उसके लिए बनाए हैं ऐसे बंकर जहां पर परमाणु रेडिएशन न पहुंच पाए। अगर परमाणु युद्ध होता है तो ऐसे समय में पुतिन और पुतिन का परिवार वगैरह बचा रहे, उन्हें रेडिएशन का असर न हो, ये सोचकर इन्हें भेज दिया गया है। अब ये जो रूसी राष्ट्रपति ने फैसला लिया है, उसके बाद 2 बड़े ऐलान किए हैं। एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि परमाणु निकासी ड्रिल, यानी ऐसे समय में जब परमाणु हमला आपके देश में हो जाए तो कैसे लोगों को निकालना है, उसके लिए ड्रिल करनी शुरू कर दी है। इसका
ऐलान कर दिया है राष्ट्रपति पुतिन ने, उसके बाद अपने सारे परमाणु हथियारों को कथित तौर पर एक्टिव रहने का भी ऐलान कर दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि 25 दिन युद्ध बीत जाने पर भी यूक्रेन ने अब तक हथियार नहीं डाला है और इस वजह से पुतिन काफी नाराज है। अब उन्हें ये लग रहा है कि एक छोटा सा देश चुनौती दे रहा है और ऐसे में खुद जो रूस के बड़े राजनीतिक नेता है उनको सूचना दे दी गई है कि परमाणु युद्ध की तैयारी में कैसे निकासी अभ्यास होगा, उसमें सारे रूस के नेताओं को भाग लेना है और देखना है, उसका अभ्यास करके रहना है। अब ये जो राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परिवार को भेजा है, ये परिवार अल्ताई पर्वत के पास है, किसी हाईटेक भूमिगत बंकर में इन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको बता दें, अल्ताई में कहा जाता है कि एक पूरा का पूरा भूमिगत शहर है, कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, बल्कि अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है सारी चीजों से लैस। ऐसे में इनके परिवार, इनके नेता के लोग वगैरह सब सुरक्षित रहेंगे। पर आपको बता दें, ऐसे बंकर अमेरिका ने भी बनवाए हैं, पर अब समस्या ये है कि इसका मतलब है पुतिन के पास एक खतरनाक योजना है और ये कोई रहस्य अब नहीं रह गया है। परमाणु संघर्ष के लिए रूस के पास एक विमान भी है जिसे डूम्सडे विमान कहते हैं। कहा जाता है कि इसी विमान के जरिए परमाणु युद्ध अगर शुरू होता है तो पुतिन और उसके करीबी सहयोगियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाएगा। जबकि अमेरिका का क्या मानना है, अमेरिका का मानना है कि जिस तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उससे पुतिन खुद में फंस गए हैं, इसलिए बड़े निर्णय ले सकते हैं। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से पुतिन के ऊपर और रूस के ऊपर प्रतिबंधों का छार हो रहा है, उसे देखते हुए अगर पुतिन इस तरीके का कोई फैसला ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हो सकता है ये युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदल जाए, या फिर हो सकता है कि पुतिन सिर्फ एक संदेश भेजना चाह रहे हैं कि अब लड़ाई को और लंबा नहीं खींचो और मामले को शांत करो। अब ये दूसरे पक्ष के हाथ में है कि किस तरीके से इस लड़ाई को शांत करने की दिशा में आगे बढ़ने की तरफ बढ़ते हैं ये देश। खैर, जहाँ यहाँ पर रूस और अमेरिका के बीच ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत एक अलग ही दिशा में चल रहा है और भारत अपने लिए बड़ी कामयाबी निकाल कर ला रहा है। ये जो देश देख रहे हैं आप, ये देश है पराग्वे। अब पराग्वे है आपका अमेरिका से नजदीक और चीन की भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस देश ने भारत से मांगी है मदद और भारत का पार्टनर बनना चाहता है ये देश। न सिर्फ पार्टनर बनना चाहता है बल्कि भारत के हथियारों को भी खरीदना चाहता है और अपनी स्पेस सिक्योरिटी को लेकर भारत के ऊपर निर्भर रहना चाहता है। और बड़ी बात यह है कि चीन और अमेरिका के रहते हुए ये देश बात कर रहा है भारत से, न कि इन दोनों देशों से। इस क्षेत्र में भारत को सबसे बड़ी कामयाबी निकल कर हाथ में आई है। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या भारत बिल्कुल सही कर रहा है, संघ की झंझटों से दूर अपना व्यापार बढ़ा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।